Welcome to our channel Goodluck Institute, a station of English language, hashtag English for success. जैसा कि मैंने आप लोगों से promise किया था कि मैं आपको let का second part बना के दूंगा, तो आज हम सीखने वाले हैं advanced use of let part 2. तो अब हम सीखने जा रहे हैं use of let part 2. अब यहाँ पे हम सीखेंगे let जो हमारा use किया जाएगा allow, means when you permit somebody to do any work. एंड इसके अंदर भी हमारे यही सारे ऑब्जेक्टिव्स यूज किए जाएंगे, मी, अस, देम, हिम, हर, यू एंड इट, इनकी हिंदी यहां पर लिखी हुई है. अब इनके भी हमारे जो पार्ट्स बनेंगे, ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बनेंगे. प्रेजेंट में कैसे हमारे सेंटेंस बनेंगे, इसमें जब मैं किसी को किसी काम करने के लिए अलाउ करता हूं, जैसे मैं उसको जाने देता हूं, मैं बच्चों को पढ़ने देता हूं, हम बच्चों को थोड़ा हंसी मजाक करने देते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो अगर हम पार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड विद एनी प्लूरल, कैसे हम इसको यूज करेंगे, लाइक आई डू, इनके साथ मुझे, इन सभी के साथ मुझे यहां पर डू लगाना. आई डू लेट हिम प्ले, इट मीन्स मैं उसे खेलने देता हूं. अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं तो यहां आ जाएगा आई डोंट लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने नहीं देता हूं. इंटरोगेटिव, डू आई लेट हिम प्ले, क्या मैं उसे खेलने देता हूं. तो व्हाट डू गाइस हैव टू डू, सबसे पहले हमें अपना सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हमें इन सब्जेक्ट के साथ, आई मीन आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हमें डू यूज करना है. देन हमारा लेट जो हमने यहां पे किया है, जो हमें परमिट कर रहा है, उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा आ जाएगा. लास्ट में आपको अपनी वर्ब यूज करनी है, वर्ब हमेशा आपकी फर्स्ट यूज की जाएगी. इसका अगर हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पे आ जाएगा डोंट, डोंट आई लेट हिम प्ले, क्या मैं उसे खेलने नहीं देता हूं. इट मीन्स डोंट आई परमिट हिम टू प्ले. तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस लेट के पार्ट में हम अलाउ वर्ड का यूज करने जा रहे हैं. अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड पर्सन की, ही, शी, इट, कोई भी नाम और सिंगुलर, तो उनके साथ हम कैसे इनको यूज करेंगे वो देखिए. अब तो इनके साथ मैं यूज करता हूं डज, ही डज लेट मी वर्क, मीन्स वो मुझे काम करने देता है, मीन्स ही परमिट्स मी टू वर्क. ओके, अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो यहां आता है ही डजंट लेट मी वर्क, मीन्स वो मुझे काम करने नहीं देता है. इंटरोगेटिव, डज ही लेट मी वर्क, क्या वो मुझे काम करने देता है. सेम हम यहां पे बनाएंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यूजिंग नॉट, डजंट ही लेट मी वर्क, क्या वो मुझे काम करने नहीं देता है. तो इसी तरीके से आपके पास जितने भी प्रेजेंट सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपकी बात होती है कि कोई आपको किसी काम के लिए परमिट कर रहा है, तो वहां पे आप लेट का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर मैं किसी को पास्ट में लेके जाता हूं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है उसका हम यहां पे डिड का इस्तेमाल करेंगे अपने सभी सब्जेक्ट्स के साथ. जैसे आई डिड लेट हिम प्ले, मैंने उसे खेलने दिया. आई डिडंट लेट हिम प्ले, मैंने उसे खेलने नहीं दिया. डिड नॉट को हमने शॉर्ट में डिडंट पढ़ा यहां पर. इंटरोगेटिव, डिड आई लेट हिम प्ले, क्या मैंने उसे खेलने दिया. और डिडंट आई लेट हिम प्ले, क्या मैंने उसे खेलने नहीं दिया या क्या मैं उसे खेलने नहीं देता था. बोथ सेंस में हमारा सेंटेंस ठीक रहेगा. अच्छा, हमारा सिंगल हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमारा ऐसे ही फॉर्मूला फॉर्मुलेट होगा ये. इसके अलावा हमारा यहां पे आता है फ्यूचर. अगर मैं किसी का ही फ्यूचर बनाऊंगा तो मैं यहां पर विल का इस्तेमाल करूंगा. अच्छा, अब हम लोगों में विल और शैल में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विल और शैल का जो यूज होगा वो होता कैसे है, शैल हमारा ओनली आई और डी के साथ यूज होता है, अदर रिमेनिंग के साथ हम हमेशा विल का यूज करते हैं. जैसे आपका यू है, दे है, ही है, शी है, इट या कोई भी नाम. बट अब हम क्या करते हैं, हम इनको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, आई, हिल, विल, इस तरह से. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं हर जगह इनको शॉर्ट में यूज करने वाला हूं. जैसे हमने यहां पर दोबारा सेंटेंस बनाया, आई लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने दूंगा. नेगेटिव होगा तो आई वॉन्ट, वॉन्ट हमारा विल नॉट
का शॉर्ट वर्ड है आई वॉन्ट लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने नहीं दूंगा. विल आई लेट हिम प्ले, क्या मैं उसे खेलने दूंगा. एंड द लास्ट वन इज वॉन्ट आई लेट हिम प्ले, क्या मैं उसे खेलने नहीं दूंगा. ठीक है, तो अब ये भी हमारा सभी के साथ यूज किया जाएगा ऐसे ही. सो जब भी आपके पास लेट का यूज होता है, अगर आपको किसी और किसी काम के लिए परमिट करना है, तो आप ये सारे फॉर्मूला यूज करेंगे. प्रेजेंट में इस तरीके से, पास्ट में इस तरीके से, फ्यूचर में इस तरीके से. ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.